दोस्तों अपने विधायक को जानिए कार्यक्रम में आज हम जोधपुर सिटी से कांग्रेस की टिकट पर जीतने वाली मनीषा पवार की बात करेंगे। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी मनीषा पवार ने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाकर सभी को हैरान कर दिया है। एमए तक शिक्षित मनीषा एक घरेलू महिला है। उनके पति दीपक सिंह एक गैर सरकारी कंपनी में जॉब करते हैं। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। राजस्थान की प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर को अपने आंचल में समेटे जोधपुर का राजस्थान के टूरिस्ट मैप पर महत्वपूर्ण स्थान है। जोधपुर राजस्थानी हस्तशिल्प कला का भी प्रमुख केंद्र है। स्टील वस्त्र और चूने का कारोबार जोधपुर में ज्यादा होता है। जोधपुर जिला को भाजपा का गढ़ माना जाता है। 2013 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जोधपुर जिले की 10 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। जोधपुर सिटी क्षेत्र से पिछले 3 चुनावों में भाजपा का ही उम्मीदवार विजयी होता आ रहा है। 2013 के चुनाव में जोधपुर सिटी से भाजपा के कैलाश भंसाली ने कांग्रेस के सुपारस भंडारी को 14,000 वोटों से हराया था। भाजपा ने इस बार कैलाश भंसाली के भतीजे अतुल भंसाली को मैदान में उतारा था, लेकिन मनीषा पवार ने अतुल भंसाली को पटकनी देकर भाजपा के अभिमान को तोड़ने का काम किया है। मनीषा पवार पिछले 15 वर्षों से सक्रिय राजनीति में हैं। वह कांग्रेस की ओर से कौंसलर का चुनाव भी जीत चुकी हैं। पिछले 8 वर्षों से मनीषा जोधपुर जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल रही है। मनीषा के पिता राम सिंह आर्य सार्व प्रदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के उप सचिव है। मनीषा पवार का परिवार सतनाड़ा क्षेत्र में रहता है। उनके मायके जोधपुर के उमेद चौक में है। चुनाव प्रचार के दौरान उमेद चौक के मतदाताओं ने 300 फीट लंबी चुनरी से मनीषा पवार का स्वागत किया था। जोधपुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में जाट और राजपूत मतदाताओं का दबदबा है। यह दोनों समुदाय इस बार भाजपा से नाराज थे। राजपूत समुदाय आनंदपाल एनकाउंटर और पद्मावत प्रकरण के बाद से भाजपा से नाराज था। जाट समुदाय भाजपा को छोड़ हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ ज्यादा झुका था। इसके बीच कांग्रेस ने ओबीसी उम्मीदवार मनीषा को मैदान में उतारकर भाजपा के जनाजे में अंतिम कील जड़ दी। जोधपुर सिटी क्षेत्र की मुख्य समस्या पीने के पानी और यातायात की आवाजाही की है। मनीषा पवार पर इन समस्याओं को पहल के आधार पर हल करवाने की बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।